आज हम आपको जल के आयनन, जल का आयनन उससे संबंधित आंकिक प्रश्न बताएंगे। इसके आंकिक प्रश्न कुछ हम बताते हुए उसको सॉल्व करवाएंगे। जल का आयनन पिछले पीरियड में हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया था, इसका सामिश्रांक निकालने के बाद। H2O plus ion, OH minus ion. H3O plus ion की सक्रिय मात्रा OH माइनस आयन की सक्रिय मात्रा। H3O प्लस आयन की सक्रिय मात्रा और OH माइनस आयन की सक्रिय मात्रा। इस प्रकार से जहां KW पानी का आयनन स्थिरांक है या जल का आयनन स्थिरांक है, आपको सूत्र इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, KW बराबर H प्लस आयन OH माइनस आयन। इस प्रकार से दोनों ही सही है, दोनों ही प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। यहां पर H3O प्लस आयन में H प्लस H2O होगा, इनको जोड़ने के बाद ये H3O प्लस आयन होगा जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या फिर सिर्फ H प्लस आयन होगा। जैसे हमने फर्स्ट समीकरण में आपको बताया है कि यहाँ पर सिर्फ H2O का आयनन हो रहा है और दूसरी पोजीशन में दो H2O के अणु हैं, इनका इनकी अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। तो दोनों ही अभिक्रियाएं हैं, तो सूत्र आपको कोई भी आंकिक प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, एक तो इस टाइप से पूछे जाएंगे या इस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जल का जो आयनन स्थिरांक है इसका मान KW बराबर होता है 10^-14, ये मान है इसका, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1×10^-14। दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसी आधार पर हम कुछ आंकिक प्रश्न आपको बता रहे हैं। यदि किसी विलयन का के आयनन पर हाइड्रोक्सिल आयन का मान 10^-5 हो तो H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन की गणना कीजिए। आयन की गणना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे के W बराबर H3O प्लस आयन OH माइनस आयन। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर मान दिया हुआ है OH माइनस आयन का मान और KW का मान 10^-14 होता है, OH माइनस आयन का मान दिया है 10^-5।
इस आधार पर इन मान को ध्यान में रखते हुए समीकरण एक में, समीकरण एक में के डब्ल्यू व ओ एच आयन का मान रखने पर के डब्ल्यू का मान क्या है यहाँ पर 10^-14 बराबर H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन का मान है 10^-5। तो यहाँ से हम हाइड्रोनियम आयन को बाहर निकाल लेंगे, H3O प्लस आयन बराबर 10^-14 बटे 10^-5 इस प्रकार से, और इसको हम काट देंगे। काटने के बाद 10^-9 बचेगा, तो हाइड्रोनियम आयन का मान आ गया H3O प्लस आयन बराबर 10^-9। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि किसी विलयन में आयनन हो रहा है और उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का मान मालूम हो या हाइड्रोनियम आयन का मान मालूम हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं, या आपके पास के डब्ल्यू का मान मालूम है और हाइड्रोक्सिल आयन का मान मालूम है तो आप हाइड्रोनियम आयन का मान निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इसमें आपको ये दो सूत्र को ध्यान में रखना है, एक तो ये सूत्र है और ये के डब्ल्यू बराबर हाइड्रोनियम आयन और ओ एच माइनस आयन। वैसे जनरली ये सूत्र दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। यदि एक दूसरा है क्वेश्चन, यदि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन का मान 2×10^-5 है, तो उस विलयन में हमको हाइड्रोजन आयन का मान मालूम है, तो उस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की गणना कीजिए, अब इसमें हमको इसको सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला वही होगा जो समीकरण आपको दिया गया है। यहाँ पर आप जो समीकरण लेंगे वो के डब्ल्यू बराबर H प्लस आयन ओ एच माइनस आयन का लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो मान दिया गया है के डब्ल्यू का मान आपको पता है, के डब्ल्यू बराबर 10^-14 या 1×10^-14 होगा, और H प्लस आयन इसका मान दिया हुआ है 2×10^-5। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस सूत्र में इसको पुटअप करेंगे। के डब्ल्यू, अब के डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 10^-14 बराबर H प्लस आयन का मान है 2×10^-5
या आप इसको ले लें, ले सकते हैं, गुणित H प्लस आयन, ओ एच प्लस आयन, इस प्रकार से। अब इस मान को यहाँ पर आपको डालना है, ओ एच आयन को बाहर निकालना है, क्योंकि हमें ओ एच आयन का मान निकालना है। ओ एच आयन बराबर 10 की घात ऋण 14 बटे 2 गुणित 10 की घात ऋण 5, इस प्रकार से। अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो इसे हम, ये आपने लिख लिया होगा, OH माइनस आयन बराबर 10 की घात ऋण 14 बटे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणित 10 की घात ऋण 5, इसको हम खोल देते हैं समीकरण के अनुसार, तो 2 गुणित 10 की घात ऋण 4 गुणित 10 की घात ऋण 1, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ओ एच माइनस, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, यहाँ पर 10 की घात ऋण 5 है, तो इसको हमने तोड़ दिया है, तो 10 की घात ऋण 4 गुणित 10 की घात ऋण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लेंगे, ओ एच माइनस आयन बराबर 10 की घात ऋण 14 बटे 2 गुणित 10 की घात ऋण 4। अब ये 10 की घात ऋण 1 ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाता है तो ये गुणित 10 हो जाएगा, धन चिन्ह में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, ये हो गया, और यहाँ 10 की घात ऋण 14 है और ये 10 की घात ऋण 4 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ होगा 10, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ओ एच माइनस आयन, इसका मान आ जाएगा, हर में कोई भी संख्या बची नहीं है, और अंश में आप देखिए तो बराबर 5 गुणित 10 की घात ऋण 10 मोल, हिंदी में लिखते हैं इसको मोल लीटर इनवर्स 1, इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, ऐसा आंकिक प्रश्न यदि आपको पूछा जा रहा है तो इसको आपको खोल कर बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। यदि आप डायरेक्ट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आंसर आपका गलत आएगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जली विलयन यदि किसी जली विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन का मान आठ गुणित 2 गुणित 10 की घात 8 है, तो उस विलयन का उस विलयन के OH आयन की गणना कीजिए।
तो इसी विधि के द्वारा हम इस न्यूमेरिकल को, इस सांख्यिक प्रश्न को भी बना सकते हैं। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं जैसा सेकंड में आपको बताया गया है, ठीक इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा, लेकिन प्रोसेस यही है। जिस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को बताया है वैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसके आंकिक प्रश्न इस प्रकार से होंगे। ठीक इसी तरह हम इसको थर्ड क्वेश्चन के लिए भी इसको हम बना सकते हैं। के डब्ल्यू बराबर एच थ्री ओ प्लस आयन ओ एच माइनस आयन। के डब्ल्यू का मान है 1×10^14। एच थ्री ओ प्लस आयन का मान है 2×10^8। अब इस सूत्र में आप इसको डाल दीजिए। के डब्ल्यू का मान यहाँ पर 10^14 है बराबर हाइड्रोनियम आयन, इसका मान दिया हुआ है आपको तो ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2×10^8। दस की घात ऋण आठ और ओ एच माइनस आयन। अब यहाँ से ओ एच माइनस आयन को आप बाहर निकाल दीजिए, 10^14/2×10^8 इस प्रकार से। ठीक इसी तरह इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, 2×10^7। यहाँ 6 ले लीजिए, 10^6×10^2 और यहाँ आ गया 10^14 इस प्रकार से। अब ये आगे की प्रोसेस में ये 10^2 है ये ऊपर चला जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ओ एच माइनस आयन बराबर 10^14/2×10^6 और यहाँ पर 10^2 है ये ऊपर आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको आप काट सकते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 8, 8 बचेगा और इस प्रकार से ये ओ एच माइनस आयन मोल लीटर इनवर्स इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आंकिक प्रश्न है, इस आधार पर आप इसी को आधार मान करके आप इसको आगे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अगला है अपना टॉपिक पीएच पैमाना।
पीएच पैमाना, पीएच पैमाना को कहा जाता है हाइड्रोजन पोटेंशियल पैमाना, या हम कह सकते हैं अम्लीयता क्षारीयता व उदासीनता मापने का यंत्र या पैमाना, मापने का पैमाना। तो इसको आप उतार लीजिए। आपने इसे उतार लिया होगा कि जो हम पीएच पैमाना के बारे में आपको बता रहे थे, पीएच पैमाना जिसमें हम अम्लीयता, अम्लीय क्षारीयता उदासीनता को मापने के लिए हम एक पैमाना तैयार किया है, और ये पैमाना हमारे द्वारा तैयार नहीं किया है बल्कि एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। उन्होंने ये बताया कि हम यदि किसी भी अम्ल, चाहे वो विलयन के रूप में हो, चाहे वो ठोस के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसे हम विभिन्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसके लिए एक स्केल तैयार की है उन्होंने सोरेनसन, द्वारा पैमाना दिया गया जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 5, 10^-6, 10^-7, 8, 10^-9, 10, 11, 10^-12, 10^-13 और 10^-14 इस प्रकार से। और इसमें 3 पोर्शन है, एक अम्लीयता के लिए, एक क्षारीयता के लिए और एक उदासीनता के लिए। जैसे कि आपको पता है, अभी तक आप अम्ल क्षार साम्य में पढ़ चुके हैं कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी उसे हम कहेंगे अम्ल, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी उसे हम कहेंगे क्षार। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है और क्षारीयता का मान कम होता जाता है। यदि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्षार का मान बढ़ेगा या क्षारीयता का मान बढ़ेगा और अम्लीयता का मान कम होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का जो मान है वो बराबर हो जाता है। जब दोनों का मान बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, या ऐसे विलयन को हम कहते हैं उदासीन। तो उदासीन जो विलयन होता है, जैसे कि हम किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करते हैं, HCl प्लस NaOH, ये प्रबल अम्ल है और ये है प्रबल क्षार। जब इसकी अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होती है तो इससे बन जाता है लवण NaCl प्लस H2। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो ये लवण और पानी बना रहा है, मतलब ऐसा विलयन उदासीन होगा, और इस अभिक्रिया को इसी आधार पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि प्रबल अम्ल का भी आयनन 100% होता है
और प्रबल क्षार का भी आयनन 100% होता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो 10^-7 है इसे हम कहते हैं उदासीन। यहाँ पर ना ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है, यहाँ पर दोनों ही समान होता है। लेकिन जब 10^-7 से या 7 से कम होगा तो उसे हम कहेंगे अम्लीय। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए मान के चलिए आप 10^-1 से 10^6.9 तक अम्ल होता है या वह विलयन अम्लीय कहलाएगा। यदि आपको पता चले या जैसे कहा जाता है कि आहार नाल में जो अमाशय होती है उसमें जो जठर रस है उसमें अम्लीयता होती है, तो अम्लीयता हो रही है मतलब उसका पीएच मान इन्हीं के बीच होगा, 10^-1 से 10^6.9 के बीच ही होता है क्योंकि जठर रस अम्लीय होता है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि आहार नाल में अमाशय के बाद एक भाग आता है जिसे हम आंत कहते हैं, तो आंत में एक रस होता है जिसको आंत रस कहते हैं या पित्त कहा जाता है और वो क्षारी होता है। तो क्षारी होने के कारण उनका जो पीएच मान होगा वो 10^-7.1 से 10^-14 के बीच में होगा क्योंकि उसका विलयन क्षारी होता है। तो सोरेनसन ने ये देखा कि यदि हम किसी भी अम्ल की अम्लीयता को ध्यान में रखना है या क्षारीयता को जांचना है या उदासीनता को देखना है तो उसके लिए पीएच पैमाने का यूज़ किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो विलयन जिस प्रकार का हो चाहे उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसे हम अम्लीय कहेंगे और जहाँ हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिकता होगी उसे क्षारी कहा जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन या अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का मान यदि बराबर होगा या हम कह सकते हैं कि H+ आयन बराबर OH- आयन या अम्लीय गुण और क्षारीय गुण जब दोनों बराबर होते हैं तो उसे उदासीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि जो पीएच का पैमाना है वह अम्लीयता क्षारीयता और उदासीनता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे हम आगे और विस्तार से देखेंगे। सामान्य रूप में यदि हम पीएच की बात करें तो पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन का पोटेंशियल पीएच बराबर हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन पोटेंशियल कहा जाता है। हाइड्रोजन पोटेंशियल, यदि हमको पीएच का मान निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पीएच मान है पीएच मान होगा या फिर पीओएच होगा, हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल या हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल या हाइड्रोक्सिल आयन का पोटेंशियल। हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल है मतलब अम्लीयता का पोटेंशियल है, और यदि हाइड्रोक्सिल आयन का पोटेंशियल है मतलब ये क्षारीयता का पोटेंशियल है। तो इस प्रकार से यदि हम आयनन की बात करते हैं, जैसे कि हम जल के आयनन की बात करते हैं, तो जल के आयनन के लिए हमने सूत्र निकाला था KW बराबर H+ आयन प्लस OH- आयन, इस प्रकार से हमने सूत्र निकाला था। यह हम सूत्र निकाल चुके हैं, यह समीकरण हम निकाल चुके हैं जिसमें KW मतलब होता है जल का आयनन स्थिरांक। यह जल का आयनन स्थिरांक आयनन
आई एम स्ट्रांग। हाइड्रोजन आयन की सक्रिय मात्रा और हाइड्रोक्सिल आयन की सक्रिय मात्रा, यदि हम इस मान को देखें तो Kw का मान किसके बराबर है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के बराबर होता है, जहां Kw बराबर होता है 1×10^14। Kw का मान है 1×10^14 और H प्लस आयन व OH माइनस आयन इन दोनों का मान है 10^-7 व 10^-7। इन दोनों को ही मिला करके टोटल जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, इसे हम जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, तो जल के आयनिक गुणनफल का मान 1×10^14 है, और अलग अलग रूप में यदि हम देखें तो H प्लस आयन का मान या अम्लीयता का जो मान होता है वो 10^7 के अंदर होता है, लेकिन अगर 7 है तो वो होगा उदासीन, और यदि हम OH माइनस आयन मीन्स क्षारीयता की बात करते हैं, ये क्षारीय है और ये अम्लीय है, तो यहाँ पर अम्लीयता की बात करेंगे और यहाँ पर हम क्षारीयता की बात करते हैं। जैसा कि सोरेनसन ने बताया कि हम अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को मापने के लिए एक पैमाना तैयार करते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है उसका मान 10^7 से कम होता है, और यदि क्षारीयता का मान बढ़ता है तो उसका मान 10^7 से अधिक होता है, और यदि यह विलयन उदासीन हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है उसकी यदि क्रिया हो रही है तो उससे जो बनेगा वो उदासीन हो जाएगा। जहाँ पर अम्लीयता और क्षारीयता, जैसे हम साम्य की बात भी करते हैं तो साम्य में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाता है, एक साम्य में उपस्थित हो जाता है। जब साम्य स्थापित हो रहा है तो ऐसे विलयन को हम उदासीन कहते हैं। जहाँ पर जो प्रबलता है, यदि हम प्रबलता की बात करते हैं तो प्रबलता में हमेशा कोई भी, यदि हम शुरुआत कर रहे हैं किसी भी विलयन की, यदि विलयन में H प्लस आयन है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। जैसे हम HCl की बात करते हैं, HCl एक प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल होने के कारण वहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, तो HCl में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और जब H आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। और यदि यहाँ पर हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH में आप देखेंगे OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इन दोनों की सांद्रता अधिक हो रही है, और इसी आधार पर हम HCl को अम्ल कहते हैं और NaOH को क्षार कहते हैं। और इसी आधार पर आप ये देखेंगे कि किसी भी विलयन, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि जो रुधिर का pH होता है, विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं उनका सभी का pH अलग अलग होता है। रुधिर का pH आपको पता ही होगा कितना होता है, 7.5 होता है, तो ये क्या होगा, अम्ली होगा या क्षारी होगा? क्षारी होगा ही, क्योंकि 7 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये कैसा होगा, क्षारी होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को यदि हमको देखना है तो उसके लिए हमें उस पैमाने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो पैमाना कैसा है। पैमाने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक है, या दोनों ही आयन जो है बराबर है। जैसे हम H2O की बात करते हैं, H2O में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो इसका मान होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो इसका जो मान है ये दोनों मान बराबर होता है।
एच प्लस आयन की सांद्रता और ओ एच माइनस आयन की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है, इसलिए जो एच टू है उसका विलयन उदासीन होता है। उदासीन होता है, तो जिसका विलयन उदासीन होगा मतलब वहां पर अम्लीयता और क्षारीयता का मान कैसा होगा, बराबर होगा। जब हम उस विलयन को ना ही अम्लीय कह पाएंगे और ना ही हम उसे क्षारीय कह पाएंगे, जब दोनों ही हम नहीं कह पाते हैं तो उसे हम उदासीन कहते हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने जल के आयनन को ध्यान में रखते हुए ये पैमाना तैयार किया था और इस पैमाने के अनुसार उन्होंने अम्लीयता और क्षारीयता को समझाया। यदि मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, H प्लस आयन के डब्ल्यू बराबर एच प्लस आयन ओ एच माइनस आयन, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, के डब्ल्यू बराबर के डब्ल्यू अम्लीयता इंटू क्षारीयता टू क्षारीयता, के डब्ल्यू बराबर जल के लिए क्या होगा, अम्लीयता और क्षारीयता का मान बराबर हो जाएगा, तो के डब्ल्यू बराबर हम उदासीन कह सकते हैं क्योंकि यहां पर दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा, इसलिए के डब्ल्यू इसका मान 1×10^14 होता है और वह किस विलयन के लिए रहता है, उदासीन विलयन के लिए, जहाँ पर H प्लस आयन या OH माइनस आयन के लिए यदि हम मान लें तो इसका मान हो जाएगा 10^-7 या 10^-7, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि H प्लस आयन का मान भी 10^-7 के अंतर्गत है और OH माइनस आयन का मान भी 10^-7 के अंतर्गत है, क्योंकि टोटल इसका मान 10^-14 है और इसी मान को यदि हम आधा आधा कर दें तो उस कंडीशन में, क्योंकि दोनों का ही मान H प्लस आयन का मान बराबर 10^-7 और OH माइनस आयन का मान भी 10^-7, इसलिए KW का मान 10^-14 होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अम्लीयता क्षारीयता और उदासीनता के लिए एक पैमाना तैयार किया गया जिसे हम pH पैमाना कहते हैं या pH स्केल कहते हैं, pH पैमाना या pH स्केल कहते हैं। तो ये जो pH स्केल है या हाइड्रोजन पोटेंशियल कहा जाता है और ये हाइड्रोजन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। यदि हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमको निम्न प्रकार से इसको समझाना पड़ेगा। H धन आयन बराबर 10^-x, हाइड्रोजन आयन का मान 10^-x होता है और यहाँ जो ऋण x है, x बराबर होता है pH। किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन, किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन बराबर
10 की घात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋण पीएच। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और यदि यहां पर हम 10 का लॉग लें, लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग 10 एच प्लस आयन, लॉग 10 एच प्लस आयन बराबर लॉग 10, ये पीएच बाहर आ जाएगा, इसको हम सामने ले लेते हैं, माइनस पीएच, पीएच लॉग 10 10। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जहां लॉग 10 10 बराबर होता है इकाई या एक। तो इस मान को यदि हम इसमें रखें, को समीकरण यदि हम एक ले ले रहे हैं, इसे हम दो ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में लॉग 10 एच प्लस आयन बराबर माइनस पीएच। इस प्रकार से या पीएच को इधर ला लें हम, तो पीएच धनात्मक हो जाएगा, तो पीएच बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस आयन। तो किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। तो पीएच का मान इस सूत्र के आधार पर हम आंकिक पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीएच स्केल। जिस प्रकार से पीएच स्केल के द्वारा हम अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की गणना करते हैं, ठीक इसी तरह हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को प्रतिपादित करना होता है। तो ये हो गया आपका पीएच स्केल, और इसके आधार पर आपने देखा कि यहाँ आपको बताया गया कि किस प्रकार से जल का आयनन हुआ, और सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल को तैयार किया गया और अम्लीयता क्षारीयता का ज्ञान आपको कराया गया। थैंक यू वेरी मच।